अच्छा, मैं आपको लिखवा रही थी रिबटल की डेफिनेशन, आप लोग नोट कर लें। रिबटल इज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस दैट इज प्रेजेंटेड टू कॉन्ट्राडिक्ट और नेलिफाई अदर एविडेंस दैट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय एन एडवर्स पार्टी। रिबटल is a form of evidence rebuttal is a form of evidence that is presented to contradict or nullify other evidence that has been presented by an adverse party। जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं रूल नंबर 19 पे। एड्रेस टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। एवरी प्लेंट और ओरिजिनल पिटीशन शैल बी अकंपनीड बाय अ प्रोसीडिंग गिविंग एन एड्रेस at which service of notice, summons or other process may be made on the plaintiff or petitioner। प्लेंट फाइल करने के साथ हम एक पेज होता है जिसे उर्दू में हम फर्द पता भी कहते हैं, जिसके ऊपर एड्रेस लिखा जाता है प्लेंटिफ का। अगर प्लेंट फाइल की जा रही है प्लेंटिफ की तरफ से, तो प्लेंटिफ ने अपना एड्रेस लिख के भी देना है, जिसको हम उर्दू में फर्द पता कहते हैं। जब भी प्लेंट फाइल किया जाएगा तो उसके साथ प्लेंटिफ, या फिर अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की गई है तो डिफेंडेंट ने अपना एड्रेस, जो भी उसका नाम, उसकी कास्ट वगैरह, जो भी उसके पर्टिकुलर्स होंगे, वो सारे उसने लिख के अपने प्लेंट के साथ लगाने हैं फाइल में, और फिर कोर्ट में जमा करवाएगा। प्लेंटिफ्स और पिटिशनर्स subsequently added shall immediately on being so added file a proceeding of this nature। ऐसे plaintiffs या फिर जो petitioner हैं जो बाद में add किए गए थे 110 के तहत, या legal representative की हैसियत से वो लोग दोबारा उन्होंने suit को बाद में जाके join किया था, वो भी इसी तरीके कार के मुताबिक अपना address वगैरह जमा करवाएंगे court में। The address filed under this rule shall be entered in the register of suits maintained under Order 4, Rule 2. Order 4 में Rule 2 के मुताबिक हमने पढ़ा था कि जो भी suit file किया जाएगा, court उसको किसी अपने पास रखे हुए एक register में दर्ज करती है। उस register में अब ये वाला जो address दिया जाएगा, ये भी दर्ज किया जाएगा। उसके बाद है जी रूल नंबर 20, नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड। अच्छा, आपको ट्रैफिक का शोर तो नहीं आ रहा? जी, रूल नंबर 20 पे चलते हैं। नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड। एन एड्रेस फॉर द सर्विस फाइल्ड अंडर द प्रोसीडिंग अंडर द प्रेसिडिंग रूल शैल बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट within which the suit or petition is filed, or of the district court within which the party ordinarily resides। अब जो हमने एड्रेस फाइल करना है कोर्ट में, जो प्लेंटिफ फाइल करेगा उसने उस हिसाब से फाइल करना है। अगर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो सूट फाइल कर रहा है, तो उसकी रिहाइश भी उसी डिस्ट्रिक्ट की लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में जी बिल्कुल जिस डिस्ट्रिक्ट में उसने सूट फाइल किया है, उसकी जो रिहाइश है वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, और जो उसने एड्रेस देना है वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर
जो जो होगा वो उसने दर्ज करना है। अच्छा जी, रूल नंबर 21, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस। वेयर अ प्लेंटिफ और पटिशनर फेल्स टू फाइल एन एड्रेस फॉर सर्विस, द सूट शैल बी ही शैल बी लायबल टू हैव हिज सूट डिसमिस्ड और हिज पटिशन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट सो मोटो, और एनी पार्टी में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स जस्ट। अब अगर उसने फर्द पता जमा नहीं करवाया, चाहे वो उसने अगर सूट फाइल किया तो उसका सूट डिसमिस हो जाएगा, अगर वो पटिशनर है उसने कोई पटिशन फाइल की है तो उसकी पटिशन रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे कोर्ट दो तरह से अमल करेगी, या तो सो मोटो, या फिर कोर्ट को अगर कोर्ट के नॉलेज में नहीं आई ये बात तो फिर ऑपोजिट पार्टी कोर्ट का नोटिस, कोर्ट को नोटिस देगी, दिलवाएगी कि फर्द पता फाइल में लफ नहीं है, जिसकी बिना पे कोर्ट उसके सूट को डिसमिस भी कर सकती है। ट्वेंटी 1A, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू एनेक्स कॉपी एटसेट्रा विद द प्लेंट। When the plaintiff fails to annex a copy of the plaint or concise statement or copies of documents, ये amended है 21A. Copies of documents mentioned in Rule 2, the court may make such order as it thinks just and fit. Plaint की copy अगर file में नहीं लगाई गई, या जो precise statement है वो, या फिर जो जो documents हैं अगर उनकी copies नहीं लगाई गई, नहीं file की गई हैं plaint के साथ, तो ऐसी सूरत में भी court जो है वो suit dismiss भी कर सकती है। यहाँ dismiss नहीं लिखा, लेकिन बाज़ दफ़ा suit जो है वो dismiss कर देती है या कर सकती है। और दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जो उसको जस्ट लगे, उसको लगे कि ये ऑर्डर इसमें करना पड़ेगा, वो कर सकती है। कोर्ट की सो मोटो है, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, अगर कॉपीज आप लोग प्लेंट के साथ फाइल नहीं करते। अच्छा जी, इसके बाद है रूल नंबर 22, प्रोसीजर व्हेन पार्टी नॉट फाउंड एट द प्लेस ऑफ एड्रेस। ये हमने ऑर्डर 5 रूल 17 में हमने ये पढ़ा था, ऑर्डर 5 रूल 17, जहां अगर तो ओरिजिनल पर्सन जिसको जिसको समन जारी किए जाएंगे, अगर वो शख्स मौजूद नहीं है तो उसकी जगह किसी भी उसके घर के मेल एडल्ट मेंबर पर या फिर अफिक्सेशन के जरिए हम लोग समन की तामील करते हैं। ऑर्डर 22 को हम बाद में पढ़ते हैं, आपका उर्दू का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी सीपीसी कंटिन्यू करते हैं हम।